नमस्कार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्पीकर बर्न इन, स्पीकर ब्रेक इन। भैया अभी ये क्या है, स्पीकर को ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है कि आग लगा देनी है? ना 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 तोड़ना है ना आग लगानी है। बर्न इन पीरियड एक टर्म है जिसका मतलब है कि जब स्पीकर जो होता है, तो स्पीकर एक ड्राइवर होता है, तो वो ड्राइवर जो होता है उसमें रबर लगी होती है, उसमें स्पाइडर लगा होता है, कोन होता है, आगे पीछे होता है, मूवमेंट होता है, तो वो बहुत स्टिफ होता है, मतलब बहुत टाइट होता है जब वो नया नया कंपनी से निकल के मैन्युफैक्चर होके आता है। तो जो उसकी जो साउंड फ्रीक्वेंसीज जो प्रॉपरली उसको प्रोड्यूस करनी चाहिए, वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है जितनी कि वो तब कर पाता जब उसका वो बर्न इन पीरियड पूरा हो जाता। अब वो बर्न इन पीरियड क्या है, कितना है, ये कैसे पता चले? तो जनरली जो स्पीकर्स होते हैं उनको बर्न इन करने के लिए कंपनी या तो पहले से करके हमको बर्न इन देती है, तो वो हमको उसके मैनुअल में देख के पता चल जाता है, उसमें लिखा होता है कि बर्न इन ऑलरेडी हो चुके हैं, या हमको कंपनी रिकमेंड करती है कि भाई आप इसको इतने घंटे के लिए बर्न इन करो। बर्न इन करने का मतलब है कि हमारे स्पीकर्स को अपने एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के बाद उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को प्ले करना कुछ घंटों के लिए, कि जिससे कि उसका जो पर्दा है स्पीकर का, वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहे नॉन स्टॉप, और वो एक उस पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पर कि वो एकदम स्मूथ, एकदम जिस परफेक्ट पॉइंट पे वो होना चाहिए वो हो जाए, उसको कहते हैं बर्न इन पीरियड या ब्रेक इन पीरियड किसी भी स्पीकर का। फिर से थोड़ा और ब्रीफ देता हूँ। स्पीकर का पर्दा होता है, तो उसको एकदम स्मूथ करने के लिए उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी चलाते हैं हम। पिंग नॉइज़ के बारे में मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में बात की हुई है, वाइड नॉइज़ होता है, फिर स्वीप फाइल्स होती हैं, वो सब सबवूफर के लिए भी और स्पीकर्स के लिए भी, जैसे ये स्पीकर्स हैं ये सबवूफर हैं, तो इन सब को बर्न इन पीरियड दिया जाता है, जो कि तकरीबन 40 घंटे से शुरू होता है और 100 घंटे तक हम अपने स्पीकर्स को बर्न इन दे सकते हैं। एक अच्छा बर्न इन करना है तो 100 घंटे तक हमको करना होगा। करना नहीं करना ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। हो सकता है आप जो स्पीकर्स लेके आए हो वो आप जैसे सुन रहे हो वैसे ही बहुत अच्छे लग रहे हो, बट अगर हम उन्हें बर्न इन करते हैं, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, जब हम उन्हें बर्न इन पीरियड पे लेके जा कर के उसको सुनते हैं, तो अगर हमको और बेहतर आवाज़ सुनाई देती है तो वो बेहतर ही हुई ना, अच्छी आवाज़ हुई ना, तो क्यों ना बर्न इन किया जाए। तो अपना मैनुअल देख लो, जो स्पीकर आपने ख़रीदा हो उसमें कंपनी ने क्या रिकमेंड किया कि बर्न इन करो, या कंपनी ने पहले से किया हुआ है। जनरली ज़्यादातर कंपनीज बर्न इन करके नहीं देती हैं, रिकमेंड करती हैं कि आप बर्न इन खुद कर लो, तो वो एक बार चेक कर लेना। करें तो कैसे करें, फ्रीक्वेंसी फाइल कहाँ से मिलेगी, कितनी देर चलाएँ, कौन से स्पीकर के लिए, सबवूफर के लिए कोई अलग फाइल है क्या, स्पीकर के लिए अलग फाइल है क्या, क्या है क्या नहीं है, वो मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा किस तरह से हम बर्न इन कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम ले, सब कुछ सब उसमें डिटेल दे दूंगा। या अब यदि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई हो कि ये बर्न इन क्या है या ब्रेक इन क्या है स्पीकर्स के लिए, तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।